एक बार अभी तक जो हुआ उसको देख लेते हैं। आज बहुत सारे लोग दैवी आपत्ति के कारण, इसको आधि दैविक आपत्ति कहते हैं, आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक, तीन आपत्तियां होती है, तीन कठिनाइयां होती है, तीन प्रकार के दुख होते हैं। शास्त्रीय भाषा में, पारिभाषिक भाषा में इसको ताप कहा है, त्रिविध ताप। इसलिए त्रिविध तापों को हरने के लिए तीन बार शांति बोलते हैं, शांति शांति शांति, हर श्लोक के बाद तीन बार शांति बोलते हैं। तो उसमें से ये जो है इसको आदि दैविक कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा देवताओं के द्वारा रची गई ऐसी जो बाधा होती है, ऐसी जो कठिनाई होती है, ऐसे जो कष्ट होते हैं उन्हें आदि दैविक कहते हैं। जो साधनों की कमतरता के कारण होते हैं, अभावों के कारण होते हैं, उसे आदि भौतिक कहते हैं, साधन नहीं है उसको आदि भौतिक कहते हैं। और जो अपने अंदर से होता है, साधन भी है, प्रकृति दैवी देवता भी अनुकूल है, यानी प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं भी हो तो साधन भी आपके पास है और फिर भी हमसे होता नहीं है, फिर भी हम करते नहीं हैं, तो उसका कारण अपने अंदर की बाधाएं होती है, अपने अंदर के ताप होते हैं, उनको आध्यात्मिक कहते हैं। अधि आत्मिक अपने अंदर से आने वाले दो कहे गए, आगे आएंगे गीता में भी आते हैं। तो प्रमाद आलस्य कहा, प्रमाद आलस्य ये एक है, और दूसरा अहंकार, मैं हूं का बोध, मैं करने वाला हूं, ये दो बोध आध्यात्मिक दो मुख्य बाधाएं। खैर, हमने देखा कि महाभारत युद्ध के युद्ध पर्व में युद्ध के 11वें दिन संजय युद्ध भूमि से लौटता है, क्योंकि उस दिन भीष्म शरशैया पर पड़ गए। और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उस पूरे महाभारत युद्ध की, जो बताने के लिए वो आया है। युद्ध भूमि से वापस हस्तिनापुर आया और वहां आकर के वो धृतराष्ट्र को के पास जाकर के बैठा, प्रणाम आदि करके उसका पाद्य पूजा की गई। और वो होने के बाद में धृतराष्ट्र ने उसको प्रश्न पूछा, वो भगवद्गीता का प्रारंभ है। आया है धृतराष्ट्र के मन में उत्सुकता है कि क्या हुआ, और तब संजय को उसने पूछा धृतराष्ट्र ने, वह भगवद्गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसलिए ये पास्ट टेंस में, किम अकुर्वत, क्या किया था, अकुर्वत क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि संजय को जो व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी तो उसने लाइव टेलीकास्ट, रनिंग कमेंट्री, अभी भी एक हमारा एक ईमेल ग्रुप है जिसमें बड़े विद्वान लोगों का ईमेल ग्रुप है, उसके अंदर चर्चा चल रही है, कोई विदेशी ने, कोई इंग्लैंड का रहने वाला है, उसने लिख दिया गीता तो कृष्ण ने कही नहीं, गीता तो संजय ने कही। तो हमारे इंदौर के एक बहुत बड़े विद्वान, डॉक्टरेट है, पीएचडी है, साइंटिस्ट है, वेदों का आदि का भी बड़ा अध्ययन किया है, सीपी त्रिपाठी करके, उन्होंने उसको उत्तर दिया, आज जो रनिंग कमेंट्री होती है ना वैसे संजय बता रहा था। मैंने उनको जवाब देके ठीक नहीं किया, क्योंकि वो बड़े विद्वान हैं तो उनको व्यक्तिगत करेंगे, उस मेल ग्रुप में नहीं करेंगे ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रनिंग कमेंट्री नहीं थी, वो 11 दिन का एक साथ बताया बाद में, और उसके बाद आगे का बताया। इस प्रकार से वो युद्ध का वर्णन, और वहां पर धृतराष्ट्र पूछता है कि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, स्वामी चिन्मयानंद जी इन दो शब्दों की भी बड़ी जबरदस्त व्याख्या करते हैं। क्षेत्र यह शब्द भी बड़ा टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, योग दर्शन का बड़ा पारिभाषिक शब्द है क्षेत्र। आगे चल करके एक पूरा का पूरा अध्याय इसके ऊपर आता है, 15वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। खेत, क्षेत्र यानी खेत, संस्कृत में खेत को क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र का ही अपभ्रंश होकर के खेत हो गया वो, तो हम जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसको क्षेत्र का फील्ड, तो क्षेत्र है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सारे जगत को ही क्षेत्र कहा, और उसमें वर्ताव करने वाले हम जो है वो किसान है, कृषि करने वाले, क्षेत्रज्ञ हैं, उस क्षेत्र को जानने वाले, ऐसी वो आध्यात्मिक कल्पना। या धर्म क्षेत्र क्यों कहा, वो रणभूमि है, युद्ध भूमि है, फिर उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि वह युद्ध धर्म का युद्ध है, यदि वह धर्म का युद्ध नहीं होता तो वह धर्म क्षेत्र नहीं होता। चिन्मयानंद जी कहते हैं कि यह भी है कि वो बड़ा तीर्थ है, पहले से भी वह तीर्थ है,
बाद में भी वह तीर्थ के रूप में अभी भी प्रचलित है। अभी भी आप कुरुक्षेत्र जाएंगे तो वहां पर आपको ब्रह्म तीर्थ मिलता है, एक तालाब है, एक कुंड है जिसको ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है, और उसमें स्नान करने का बड़ा महत्व है। पहले तो वहाँ का पानी बड़ा ख़राब था, लेकिन अब उसमें भी ठीक ठाक करके अच्छे से उसका वाटर मैनेजमेंट किया है। तो अब जाते तो पहली बार जब मैं गया था 1991 में पहली बार मैं उस, वो पेड़ भी है जिस पेड़ के नीचे भगवद गीता, ऐसा कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवद गीता का आख्यान हुआ, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, वहाँ एक अश्वत्थ वृक्ष का, पीपल का वृक्ष वहाँ पर लगाया गया, और वो पीपल का वृक्ष अभी भी वहाँ पर है। तो ऐसा मानते हैं कि वो पीपल का वृक्ष बीज रूप में वहाँ पर था और बाद में ऊपर आया, तो वो साक्षी है गीता का। हमने 1992 में अप्रैल में जब विवेकानंद भारत परिक्रमा पूरे भारत में चली थी कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक, तब जिन राज्यों में वो परिक्रमा नहीं गई थी वहाँ से हमने विवेक ज्योति नाम की यात्राएं निकाली, और वो आकर के जहाँ जहाँ से परिक्रमा जा रही थी वहाँ आकर के उनमें मिलती थी। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, इन चार राज्यों से वो यात्राएं निकालने का दायित्व मेरे पास था। मेरी आयु बहुत कम थी, 22-23 वर्ष की आयु थी उस समय, लेकिन बड़ा उस क्षेत्र में बड़ा सघन प्रवास उस समय मेरा हुआ। तो उस समय हमने तय किया कि इस पेड़ के नीचे हम विवेक ज्योति प्रज्वलित करेंगे कुरुक्षेत्र में, और वहाँ से विवेक ज्योति पूरे हरियाणा में घूम करके और फिर पलवल में परिक्रमा का जो पड़ाव था उसमें मिलेगी। तो उसकी तैयारी के लिए नवम्बर 1991 में मैं पहली बार कुरुक्षेत्र गया था। वहाँ गया था, वहाँ सब है, कर्ण का किला है, पांडवों के अलग अलग किले हैं, पूरी वो युद्ध भूमि अभी भी वहाँ पर, बहुत सारी बातें वहाँ पर, अलग अलग मंदिर भी है, बड़ा अच्छा तीर्थ क्षेत्र वह है। लेकिन केवल तीर्थ क्षेत्र पहले से था ब्रह्म तीर्थ वहाँ पर, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र नहीं कहा है। यह जो युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में, जो महाभारत का युद्ध हुआ है, ये महाभारत इसीलिए क्योंकि वह धर्म की स्थापना के लिए किया गया युद्ध। यदि धर्म की स्थापना के लिए किया गया युद्ध नहीं होता, केवल दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई होती कि राज्य मेरा है या तुम्हारा है, मेरे पिताजी थे और वो राजा थे इसलिए मेरा राज्य है, यह तर्क है, या मेरे पिताजी है इसलिए मेरा राज्य है, या ज्येष्ठ भाई है इसलिए मेरा राज्य, ये खेल, या फिर चलो लड़ करके देखते हैं जिसके जिसकी ताकत अधिक उसका राज्य है। यदि केवल इसके लिए यह होता, युद्ध होता राज्य के लिए, तो उसे धर्म क्षेत्र नहीं कहा जा सकता था। ऐसे तो बहुत सारे युद्ध हुए। महाभारत की युद्ध की इस प्रकार की कल्पनाएं बहुत सारे लेखकों ने की, अभी भी इस प्रकार की प्रवंचना होती रहती है। लोग कहते रहते हैं कि महाभारत का युद्ध तो दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी, और अभी भी जब दो भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं तो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि क्या महाभारत हो रहा है, क्या आपस में महाभारत हो रहा है। फिर मध्यकाल में तो इस प्रकार की भी भ्रांतियां और गलतफहमियां फैला दी कि महाभारत की पुस्तक ही घर में मत रखो, महाभारत की पुस्तक घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। महाभारत की पुस्तक जिस घर में रहती है उस घर में शांति नहीं होती, पूरा परिवार टूट जाता है आपस में। इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, और इतना अद्भुत ग्रंथ, दुनिया का सबसे महान ग्रंथ यदि कोई होगा तो वो महाभारत है। रामायण से भी महान है महाभारत। व्यास महर्षि के बारे में कहते हैं, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा जगत में अभी कुछ भी नहीं बचा जिसको व्यास ने छुआ न हो, उसने सबको उच्छिष्ट कर दिया, सबको झूठा कर दिया। व्यास के द्वारा सब कुछ कहा जा चुका है। लगभग 1,00,000 श्लोकों का जो महाभारत है, जिसमें आख्यान उपाख्यान उपाख्यान, जिसको आजकल की भाषा में हम फ्लैशबैक कहते हैं, एक कहानी बताता है, उस कहानी में से दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। एक स्थान पर जयद्रथ के साथ में संवाद में 8 इस प्रकार के फ्लैशबैक है, कहानी में से कहानी, कहानी में से कहानी करते हुए 8 प्रकार के आख्यान उपाख्यान उसमें दिखते। ऐसा अद्भुत वह ग्रंथ है। जितनी लोक जीवन में आवश्यक सीखे हैं, धर्म को पर जीवन आचरण करने के लिए जितने प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती है, जितने प्रकार के धर्म संकट हमारे सामने आ सकते हैं कि इधर भी धर्म है उधर भी धर्म है, मैं किस रास्ते पर से जाऊं, इस प्रकार के, उन सब के लिए उपाय महाभारत में आपको मिल सकता है। सब के लिए, दुनिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिस सिचुएशन के लिए उपाय नहीं मिलेगा। ऐसी अद्भुत यह कथा है, और उस कथा को हमने बीच के काल में आए व्यवधानों के कारण टाल दिया। धर्म की व्याख्या, धर्म की संस्थापना के लिए महाभारत की रचना हुई। महाभारत का जो इतिहास है वह इतिहास व्यास ने लिखा ही इसलिए ताकि
आने वाले समय में धर्म के ऊपर मार्गदर्शन मिल सके। धर्म अर्थात जीवन के नियम, जीवन का विज्ञान, जीवन को समझना और फिर उस जीवन के विज्ञान को समझ करके उस विज्ञान के अनुरूप जीवन का आचरण करना, ये दोनों पक्ष धर्म के अंदर आते हैं। धर्म इस एक शब्द में सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये दोनों आते हैं। इसलिए आचरति इति धर्मः, आचार प्रभवो धर्मः। आचरण के बिना धर्म नहीं हो सकता, धर्म केवल व्याख्यायित नहीं हो सकता, वो आचरण से ही व्याख्यायित हो सकता है, उदाहरण से ही व्याख्यायित हो सकता है, इस प्रकार महाभारत में कहा गया। इसलिए उसका आचरण कैसे किया जाए, धर्म का आचरण कैसे किया जाए, मैं जो कर रहा हूं वो धर्म के अनुरूप आचरण है, ये कैसे पता चलेगा, इसका पैमाना क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा, इसकी परीक्षा क्या होगी, कसौटी क्या होगी। तो वो कसौटियां, ऐसी विभिन्न प्रकार की कसौटियां महाभारत में हमको देखने को मिलती है। इसके प्रत्येक प्रकार के चरित्र, प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व हमको महाभारत में दिखते हैं कि जिनसे हम धर्म के लिए सीख प्राप्त कर सकते हैं कि धर्म कैसे करें। इसलिए भगवद गीता का महत्व ये है कि भगवद गीता महाभारत के युद्ध को भाइयों के बीच की लड़ाई में से धर्म युद्ध के अंदर परिवर्तित करता है। गीता अर्जुन के ही सामने नहीं, पूरे अर्जुन के माध्यम से हम सब के सामने महाभारत के युद्ध के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, और युद्ध का उद्देश्य स्पष्ट होने से ही धर्म की संस्थापना संभव होती है। अन्यथा इतना महान संहार, और केवल कौरवों का संहार नहीं हुआ, पांडवों का संहार हुआ, पांडवों का तो पूरा का पूरा संहार हुआ, अश्वत्थामा ने जब जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया तो पांडवों के कुछ बचा ही नहीं। उत्तरा के गर्भ का रक्षण, यदि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ का रक्षण ब्रह्मास्त्र से यदि कृष्ण अपनी तपस्या के द्वारा नहीं करते तो परीक्षित के द्वारा आगे पांडवों का कोई वंश ही नहीं रहता। यानी ऐसा नहीं है कि केवल कौरवों का नाश हुआ, एक अधर्म के तरफ होते इसलिए उन्हीं का नाश हुआ, ऐसा नहीं, नाश तो सभी ओर हुआ पूरी तरह से। जितने पहले अध्याय में लोगों के नाम आए हैं, ऐसे सबके सबके हत्या हुई है, सबका बड़ा विचित्र विचित्र एक एक इतिहास है। किस प्रकार से धृष्टकेतु, चेकितान, अपने जो पांडव बताए ना, उनके एक एक को किस प्रकार से मारा है, और कितने बड़े बड़े ऐसे वो योद्धा थे। सात्यकी जो अर्जुन का शिष्य था, उस अर्जुन के शिष्य सात्यकी ने जबरदस्त पराक्रम किया, और उस पराक्रम के अंतर्गत उसने अपने परदादा को युद्ध में जाकर के बाल पकड़ करके गर्दन काट करके इतनी बुरी तरह से मारा है। भूरी श्रवा, जिसका नाम आता है पहले अध्याय में, वो भूरी श्रवा सात्यकी का परदादा है, यादव वंश का बहुत बड़ा पितामह है। महाभारत युद्ध के समय उसकी आयु 240 वर्ष की थी, इस प्रकार की टिप्पणी मिलती है। महाभारत युद्ध के समय पितामह भीष्म की आयु 180 वर्ष की थी, इस प्रकार की टिप्पणी मिलती है। उस समय एवरेज एज शायद आदमी, जैसे आज हम 100 कलयुग में 100 वर्ष की आयु मानते हैं, और उसमें भी एवरेज 60-65-70 का माना जाता है, वहां पर उस समय शायद एवरेज एज 200 से ऊपर रही होगी। इस कारण से इस प्रकार के वर्णन हमको महाभारत में मिलते हैं, बड़े डिटेल में वर्णन मिलते हैं। इसका बड़ा प्रचंड संहार हुआ है, बड़ा न भूतों न भविष्यति ऐसा संहार हुआ है, इतना जबरदस्त संहारक चित्र है युद्ध का। लेकिन इतने संहार के बावजूद, इतनी प्रचंड हिंसा के बावजूद, इतना प्रचंड, कितनी जबरदस्त तरीके से, अमानवीय तरीके से दोनों तरफ से संहार हुआ है, दोनों तरफ से, केवल कौरवों की तरफ से नहीं। अभिमन्यु को मारने का जो आख्यान है, उस अभिमन्यु के चक्रव्यूह की घटना के समय महाभारत युद्ध में इतना डिटेल में वो युद्ध वर्णन किया है, इतना अद्भुत वर्णन है। जो लोग आरोप लगाते हैं हिंदुओं के ऊपर कि हिंदू लोग अपने बातों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, बहुत अच्छी तरह से उनको संजो करके नहीं रखते, और उस कारण से फिर हमारा इतिहास लोगों को पता नहीं है, सच्चाई नहीं है। हमारे इतिहास को जानबूझ करके छुपाया गया है, इतिहास तो हमारे पास सारा है, इससे बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। उस चक्रव्यूह में युद्ध में वो बताते हैं कि अभिमन्यु ने कर्ण के ऊपर 16 बाण छोड़े, द्रोण के ऊपर उसने 76 बाण छोड़े, और कितनों के ध्वज शिखाएं काटी, कितनों के रथ के पहिए गिरा दिए, कितने एक साथ 13 महारथियों से वो अकेला अपने रथ में लड़ रहा था, और कैसा अद्भुत युद्ध था। किसके कान में, दुर्योधन के कान में बाण मार दिया, दुर्योधन भाग गया, दुर्योधन का रथ तोड़ दिया, दुर्योधन उतर करके दौड़ करके जाकर के कृपाचार्य के रथ में जाकर के बैठ गया,
कृपाचार्य के रथ में बैठ करके उसको भागना पड़ा, क्योंकि कृपाचार्य भाग रहे थे उस भागते हुए रथ में। दुशासन के रथ को मारा, उसके सारथी को मार दिया, उसके चारों घोड़ों को मार दिया। जब विरत हुआ, दुशासन डरा हुआ कांपता हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था, उस समय अभिमन्यु कहता है मैं अभी तुम्हें मार देता, लेकिन तात ने जो प्रतिज्ञा की है, भीम ने जो प्रतिज्ञा की है, वह प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, इसलिए तुमको छोड़ दे रहा हूं, जा तुमको जीवन दान दिया। इतना अद्भुत वर्णन है वो वर्णन पढ़ते तो अभिमन्यु 16 साल का, एक तरफ 180 साल के लोग हैं, दूसरी तरफ 16 साल का अभिमन्यु युद्ध लड़ रहा है। इतना डिटेल में महाभारत में वर्णन आता है, इतनी क्रूरता से अभिमन्यु को मारा गया, किस प्रकार उसका और लक्ष्मण का युद्ध हुआ जो दुशासन का पुत्र था, और उस गदा युद्ध में दोनों एक साथ मूर्छित हुए, और इसके तरफ से कोई नहीं था, इसका सारथी मर चुका था, इसका रथ टूट चुका था, भीम को जयद्रथ ने रोक रखा था अपने वरदान का उपयोग करके, और उस कारण से सात्यकी भी अंदर नहीं आ सका, क्योंकि सात्यकी के वंश में भी पांडवों का कहीं ना कहीं वंश था, इसलिए सात्यकी को भी जयद्रथ ने रोक लिया। बड़ा सुंदर वर्णन है, और वो अकेला पड़ गया, इसलिए उसको मूर्छा से बाहर निकालने वाला कोई नहीं। लक्ष्मण को कौन सी औषधि सुंघा करके मूर्छा से बाहर निकाला, उस औषधि का नाम है, उसके नाक के आगे वो औषधि लगाने से लक्ष्मण मूर्छा से बाहर आया, महाभारत में उसका नाम दिया हुआ, मेरे को अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नाम है, मुझे याद भी है, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। उसे नाम उसको जगाया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण के उठने के बाद वो लक्ष्मण कह रहा है, सब लोग उसको उकसा रहे, ये जब तक गिरा हुआ है तब तक ही मार सकते हो, एक बार अपने पैरों पे उठ गया तो हम सब पे भारी है, हम सारे तेरा तेरा से नहीं मरा, तेरे अकेले से नहीं मरेगा, द्वंद्व में हम हाथ नहीं लगा सकते, तेरी मदद नहीं कर सकते, जब तक गिरा हुआ है तब तक मारना। लक्ष्मण कह रहा है उस समय अपने पिता को, क्या ये अधर्म नहीं होगा, क्या मूर्छित शत्रु पर शस्त्र उठाना अधर्म नहीं है। तो उस समय उसको बताया जाता है कि ऐसे समय जिस समय शत्रु तुमसे अधिक बलवान हो, उस समय शत्रु की कमजोरी का प्रयोग करना धर्म में अलाउड है, अनुमति, मतलब दुर्योधन के पक्ष में भी धर्म चर्चा हो रही है, अधर्म को भी धर्म चर्चा के पास किया जा रहा है, ये महाभारत की विशेषता है, उसमें से राह निकाली जा रही है, और राह निकाल करके उसको मारते हैं, उसके सिर के ऊपर गदा मारते हैं, उसका मुंह उसमें दब जाता है कादे में, जो नीचे सारा रक्त सारा जो कीचड़ पड़ा हुआ है उसके अंदर उसका मुंह दब जाता है, सिर फट जाता है, मस्तिष्क बाहर आ जाता है अभिमन्यु का, और उसके बाद में उसको लात मारता है जयद्रथ, उस मरे हुए अभिमन्यु के शव, इस बात के लिए जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करता है अर्जुन। इतना डिटेल में वर्णन महाभारत में आता है, इतनी क्रूरता, केवल उस तरफ से नहीं, दुशासन को जो भीम ने मारा है, वो दुशासन को भीम ने मारने के श्लोक यदि पढ़ते हैं तो मतलब आज के पिक्चरों में क्या हिंसा दिखाई जाएगी, ऐसी ऐसी ऐसे तरीके से उसको मारा है, दुशासन को पछाड़ दिया, उसके हाथ से शस्त्र चले गए, उसके सब कुछ, मतलब वो हिलने लायक नहीं, इतना थक गया और जमीन पर गिर गया, ऐसे समय अपनी गदा को छोड़ दिया भीम ने, जाकर के उसकी पहली बाई कांख के अंदर बगल में अपने पैर को रखा, उसकी कलाई से हाथ को पकड़ा और हाथ को कंधे से उखाड़ दिया, रक्त का फवारा उड़ा, ये लिखा है महाभारत में, डिटेल में वर्णन किया है, और उस टूटे हुए हाथ को किसी वृक्ष की भांति घुमाता हुआ विकराल भीम, इतना सुंदर उसका वर्णन है कि उसके चेहरे पर क्या तृप्ति का भाव था, इसी हाथ से तूने द्रौपदी की साड़ी खींची थी, ऐसे करके उसने फिर दूसरे हाथ को उखाड़ा, उसके बाद में गदा उठाई और उसकी छाती के अंदर गदा को मारा, एक गदा के वार में उसका हृदय फट गया और जो रक्त उड़ा उस रक्त से आसपास के सारे योद्धा भीग गए, और फिर उस फवारे में से रक्त लेकर के रक्त को पिया भीम ने, क्योंकि उसकी वो प्रतिज्ञा थी। मतलब कितनी अमानवीय क्रूरता से भीम ने हिंसा की, महाभारत का पूरा युद्ध प्रचंड हिंसा से भरा हुआ है, इतनी हिंसा और इतना डिटेल में उसका वर्णन महाभारत में मिलता है, उस सबके बावजूद वो धर्म युद्ध है, क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना है, उसका गंतव्य धर्म की स्थापना है, और उसका परिणाम भी धर्म की स्थापना है, उद्देश्य भी धर्म की स्थापना है और परिणाम भी, उद्देश्य कर्म से पहले होता है और परिणाम कर्म के बाद में होता है, कर्म का उद्देश्य शुद्ध होने से परिणाम शुद्ध होता ही है, यदि बीच में रास्ता नहीं भटके तो,
बीच में रास्ता कब भटकते हैं? जब बीच में उद्देश्य से भटक जाते। उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए, प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकता है, उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। पूरे महाभारत के युद्ध की प्रक्रिया को देखते तो उसको धर्म युद्ध नहीं कहते। इसलिए कौन सा धर्म है, कौन से गदा युद्ध के नियमों का पालन किया गया? निशस्त्र व्यक्ति पर शस्त्र उठाने का काम, अभिमन्यु के बारे में कर्ण को सुनाया जिस समय कर्ण का रथ का पहिया दबा हुआ है तब कृष्ण ने, कि तब तेरा धर्म कहां गया था? लेकिन दुशासन को मारते समय कहां गया था धर्म? मतलब टेक्निकली देखा जाए तो सारा अधर्म है, लेकिन जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा धार्मिक प्रतिज्ञा थी। अपने पत्नी के अपमान का प्रतिशोध लेना, इतना ही नहीं स्त्रीत्व के अपमान का प्रतिशोध लेना, इसलिए उसको सजा देना, वो प्रतिज्ञा उसको धार्मिक बना देती है। इसलिए जिस समय दुर्योधन की टांगे तोड़ी गई, क्योंकि वो भी प्रतिज्ञा थी, जंगा जो उसने खुली करके दिखाई थी द्रौपदी को, उस समय उस सभा में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि इस जंगा को मैं युद्ध में तोड़ूंगा। कदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, कमर के नीचे वार किया गया, दुर्योधन की झांगे तोड़ करके दुर्योधन को मारा गया। गांधारी पूछती है कृष्ण को, गांधारी और कृष्ण का जबरदस्त संवाद है जिस समय वो गांधारी को लेकर के आता है, और गांधारी ने सारी जिंदगी कभी पट्टियां नहीं खोली, दो ही बार पट्टी खोली है अपनी आंखों की, एक बार वो दुर्योधन को कवच पहनाने के लिए, और दूसरी बार जब युद्ध का सारा विभीषिका देखने के लिए जब वो कृष्ण के साथ जाती है, तब कृष्ण को प्रताड़ित करती है। वो जो संवाद है, उस संवाद में कृष्ण ने इसका वर्णन किया है कि क्यों कमर के नीचे मारना भी धर्म के अनुरूप। गांधारी वगैरह से ज्यादा तो कृष्ण को सबसे ज्यादा धर्मराज युधिष्ठिर को ही समझाना पड़ रहा था, उसको समझाने में मुश्किल आ रही थी कि यह सारा धर्म कैसे। लेकिन जिसका उद्दिष्ट धर्म की स्थापना है वो प्रत्येक चीज धर्म स्थापना हो जाती है, वो उद्दिष्ट भगवद गीता स्पष्ट करती है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र हो जाता है। वो कुरुक्षेत्र है क्योंकि वो कर्म का क्षेत्र है, इसलिए भगवद गीता में धर्म का सिद्धांत और कर्म ये दोनों हमको बताए। पहले अध्याय में अर्जुन के भय और शोक दोनों का वर्णन आता है, और उस दोनों को मिला करके उस बीमारी को नाम दिया है विषाद, अर्जुन विषाद योगो नाम। अब वो विषाद भी योग क्यों हो गया? क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं वह सब कुछ जो आपको योग की ओर ले जाएगा, आपको अपने स्वरूप को जानने की ओर ले जाएगा, आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, वह सब कुछ अक्लिष्टा, वह सब कुछ योग है। जैसे वर्धा जाने वाले जो मार्ग है उस मार्ग को भी हम वर्धा रोड कहते, उस रोड पे तो वर्धा नहीं है, वर्धा तो रोड के अंत पे है, लेकिन जाने वाले मार्ग को भी वही नाम दे दिया जाता है जो गंतव्य का नाम है। उसी प्रकार जो आपको योग के तक, योगम अवाप्स्यसि, योग की प्राप्ति तक ले जाता है, वो सब कुछ योग है। अर्जुन का विषाद उसको इस सांख्य योग और कर्मयोग के ज्ञान की ओर ले गया, इसलिए वो विषाद भी योग हो जाता है। इसलिए हमारे भी जीवन में आने वाली विपरीत बातें, कल हम वैराग्य की परिभाषा में सकारात्मक चिंतन की बात कर रहे थे ना, तो वो सकारात्मक चिंतन ही है, वो सारी विपरीतताएं योग हो जाएगी यदि उसमें से सही पाठ पढ़ के सही दिशा में हम उनको ले, उसको ले जाते। इसलिए वो क्लिष्टा अक्लिष्टा ऐसा वृत्तियों के बारे में कहा है, दो भेद बताए, पांच वृत्तियां बताई महर्षि पतंजलि ने, पांच वृत्तियों का निरोध करना योग है ऐसा बताया। क्या है पांच वृत्तियां? तो उन्होंने पांच वृत्तियां बताई, प्रमाण, विकल्प, विपर्याय, निद्रा, स्मृति, ये पांच वृत्तियां है। और फिर इसके आगे बताया क्लिष्टा अक्लिष्टा, यानी ये पांचों की पांचों ही क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। क्लिष्ट कौन सी है? क्लिष्ट तब होगी जब क्लेश देने वाली, क्लेश देने वाली कब होगी? जब वो योग से विपरीत ले जाएगी। अक्लिष्ट कब होगी? जब योग की ओर ले जाएगी। तो प्रमाण यानी क्या? प्रमाण यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रमाण यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, सही ज्ञान, जो है वो वैसा के वैसा देखना। तो इसके लिए वो तीन प्रकार के बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीन प्रकारों से प्रमाण होता है, तीन प्रकारों से ज्ञान होता है, वो पहली वृत्ति है। यह ज्ञान भी वृत्ति है, इससे भी परे जाना है, इसका भी निरोध करना है, इसका भी उपयोग योग की ओर जाने के लिए ही होना चाहिए, इसका उपयोग भी उल्टा हो सकता है, सही चीज का ज्ञान भी उल्टी ओर ले जा सकता है यदि अश्रद्धा के साथ किया जाए। इसलिए कहा कि प्रमाण, और विकल्प का अर्थ बिल्कुल उल्टा है, विकल्प का अर्थ है गलत ज्ञान, विपरीत ज्ञान, गलत ज्ञान।
जो नहीं है वो है ऐसा मानना, इसको विकल्प कहते हैं। जो नहीं है उसको है ऐसा मानना, ये विकल्प है। इसलिए जो ज्ञान गलत ज्ञान है उसको विकल्प कहते हैं, वो भी वृत्ति है। तीसरा का विपर्याय, विपर्याय यानी भ्रम, कंफ्यूजन। जो है उससे कुछ अलग देखना, रजवाम भुजंगमेव, रस्सी पड़ी है और उसके अंदर सांप को देखना, इसको कहा विपर्याय। यानी सही ज्ञान भी नहीं है, गलत ज्ञान भी नहीं है, कुछ गड़बड़ी ज्ञान है, तीसरा ही है। तो ये प्रमाण, विकल्प, विपर्याय, ये मन की समझने के फेर है तीन। मन जब सही ढंग से सही चीज को समझता है तो प्रमाण है, जब सही चीज की जगह देखता तो सब सही चीज है लेकिन उसके बारे में उसको पता ही गलत है तो फिर वो क्या करेगा, उसको पता ही गलत है तो पता गलत है तो वो गलत ही बोलेगा, क्योंकि उसकी जानकारी ही गलत है इसलिए वो उसको गलत बोलता है। तो ये गलत जानकारी विकल्प, और विपर्याय यानी भ्रम, जो है उसकी जगह कुछ और का ज्ञान। और फिर निद्रा और स्मृति, ये सारे, निद्रा क्लिष्ट भी हो सकती है अक्लिष्ट भी हो सकती है, आवश्यकता से ज्यादा सोएंगे तो वो क्लिष्ट है, योग से दूर ले जाने वाली है। सीमित मात्रा में व्यवस्थित नींद लेंगे, क्वालिटी क्वालिटी स्लीप लेंगे तो वो बाकी दिन भर कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगी, तो वो अक्लिष्ट हो जाएगी, योग की ओर ले जाने वाली हो जाएगी। वैसे ही स्मृति की बात है, स्मृति भी, स्मृति केवल केवल जो हम याद रखते हैं उसको स्मृति नहीं कहा है। स्मृति वृत्ति ये वास्तविकता में जन्म जन्मांतर को भेद के है, हमारे हमारे अंदर ही, हमारे चित्त में ही पिछले जन्मों की स्मृतियां भी रिकॉर्डेड है, हम उसको देख नहीं पाते। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि इस जन्म जी जन्म की जो स्मृतियां हमको है उसी के कारण कितना बेड़ा गर्क होता है, उन स्मृतियों के कारण ही योग की ओर हमारी गति नहीं होती। किसी ने हमारा अपमान किया हम भूल नहीं पाते, सारी जिंदगी उस अपमान को लेकर के गांठ बांध देते हैं, और वो बंधी हुई गांठ आगे चल करके कभी नहीं खुलती, तो आपने आगे का रास्ता ही बंद कर दिया संबंध का। और योग तो क्या है, योग तो है मन का विस्तार, मैं से हम की ओर जाने की प्रक्रिया, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र। हमने देखा था किस प्रकार मन का विस्तार होता है तब योग होता है। और जहां जहां पर आपने गांठ बांध ली है, मान अपमान की गांठ, वैसे उल्टी भी, मान की भी, सम्मान की भी, पहले बहुत सम्मान किया उसकी स्मृति होती है तो उससे आगे की अपेक्षाएं बनती है, फिर आगे वो देखता भी नहीं है तो बोलता है अरे पहले तो बड़ा सम्मान करता था अब देखता भी नहीं, क्लिष्ट हो गया, स्मृति क्लिष्ट हो गई। वही स्मृति आपके लिए अक्लिष्ट हो सकती है यदि वो आपको योग की ओर ले जाने वाली स्मृति हो, आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली स्मृति हो। इसी प्रकार से अर्जुन का जो विषाद है वह अक्लिष्ट विषाद है, इसलिए वो अर्जुन विषाद योग हो गया, और उसमें उसने बड़ा ज्ञान दिया कि कैसे मेरा ये युद्ध करना गड़बड़ है और ये युद्ध करने से कितना बड़ा पाप हो जाएगा। और वो कहता है ओ बतमहत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न, राज्य सुख के लोभ से अपने ही हंतुम स्वजम स्वजन उद्यता, अपने स्वजनों को हंतुम हत्या करने के लिए उद्यत हो गए यद राज्य सुख लोभे न। अरे बाप रे कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। फिर वो कहता है वो दुर्योधन धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो तो जानते नहीं है, इसलिए उनको तो माफ हो सकता है क्योंकि वो जानते ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। कथम न ज्ञेयम अस्मा, अभी हम जान करके भी गड़बड़ कर रहे हैं, हम जानकार है तुम्हारे जैसा हमारे साथ में और उसके बावजूद हमको युद्ध करने के लिए डाल रहे हो, ये क्या गड़बड़ है, हम नहीं युद्ध करेंगे। इस प्रकार से अपने विषाद का बड़ा क्या कहते हैं उसको भव्य उदात्तीकरण करके वो बैठा है। हम सब लोग करते हैं अपनी कमजोरियों का और त्रुटियों का उदात्तीकरण करना, ये मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। रिचर्ड बाख ने एक पुस्तक लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, अच्छे लेखक है वो, अमेरिकन लेखक है, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखता है। उसकी सबसे जो लोकप्रिय पुस्तक है वो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल है, उसी ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम ही है इल्यूजन, माया। उस इल्यूजन पुस्तक में, भ्रम उस पुस्तक में वो लिखता है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो वो कहता है सबसे बड़ा शत्रु है कि आप अपनी कमियों के लिए जब तर्क करने लग जाते हो, when you start arguing about your own weaknesses, आप जब अपनी ही कमजोरियों का समर्थन करने लगते हो और उसके लिए तर्क देने लगते हो तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, फिर कोई आपको नहीं बचा सकता। अर्जुन वही कर रहा है, हो तो उसको भय रहा है, अपने मृत्यु का भय, स्वजनों के मृत्यु का शोक, ये मृत्यु के भय के कारण वह सारी गड़बड़ियां कर रहा है। कल हम भय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भय को दूर कैसे करना,
तो भय को दूर करने का मार्ग है कि ज्ञान प्राप्त कर लो, जिस चीज का भय लग रहा है उसको कर लो। अब मृत्यु के भय का क्या करोगे, मर करके तो देखा नहीं जा सकता, उसके लिए जीवन का ज्ञान करना पड़ेगा। जीवन का ज्ञान होगा तो मृत्यु का भय चला जाएगा। इसलिए सारी भगवद्गीता जीवन की विद्या सिखाती है। इसलिए दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो कृष्ण बोले ही नहीं, पहले अध्याय में धृतराष्ट्र बोले, संजय बोले और अर्जुन बोले। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने बोलना शुरू किया, और क्या बोला उसने, तो पहले दो श्लोकों में उन्होंने अर्जुन को लताड़ लगाई, और उसके उस निद्रा में से, भ्रम में से, विषाद में से, डिप्रेशन में से उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया, झकझोर करके बाहर निकाला। क्या कहा उन्होंने, तो पहले दो श्लोकों में उन्होंने पूरी तरह से उसको लताड़ लगाई, ये गंदगी तेरे दिमाग में कहाँ से आई, कुतुस्त्वा कश्मलम इदम, ये कश्मल, ये गंदगी, ये कचरा तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया, विषम में ऐसी गलत समय पर, युद्ध के बीच में, सामने तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, अभी तक सारे संग्राम जीते और यहाँ सबसे बड़ा पराक्रम करने का योग है, और उस समय ये उल्टी बुद्धि लेकर के बैठे हो, परीक्षा के एक दिन पहले तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आ रही है, ऐसा कैसे चलेगा। यह सारा का सारा तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोलने वाला नहीं, कीर्ति देने वाला नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए त्याज्य। दूसरे श्लोक में तो और आगे बढ़ करके उसको और लताड़ लगाई, क्लिपता को छोड़ दे, ये नपुंसकता छोड़ दे, क्लब्य मास मगम पार्थ, अरे इस क्लिपता को मत प्राप्त हो, ये क्या तू हिजड़ों की तरह, नपुंसक की तरह बात कर रहा है, पुरुष पौरुष को इस शुद्रम हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता को, शुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो जा, चल। इस प्रकार की प्रताड़ना दी, प्रताड़ना देश ही भाषा बदल गई अर्जुन की, अभी तक जो भय और शोक की भाषा कर रहा है अब धर्म की भाषा करने लगा। और फिर आगे के जो श्लोक आते हैं कि कथम भीष्म माम संखे द्रोणम च मधुसूदन, भीष्म और द्रोण जिनकी पूजा करने, पूजा रहा, पूजा करने की अर्हता रखने वाले योग्य कर लोगों को तुम कह रहे हो कि यीशु भी, बाणों से मैं उनके साथ बात करूं, उनके साथ ऐसा मुझे प्रतियोत्स्यामी, मुझे उकसा रहे हो उनको मार मारने के लिए, इस प्रकार वो कृष्ण को कहता है। और करते करते सातवें श्लोक में जाकर के वो शरणागति प्राप्त करता है और कहता है, मेरी कृपणता के कारण, मेरे मन के छोटेपन के कारण, कायरता के कारण, भय के कारण, मेरा जो मूल स्वभाव है, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, वह ढक गया है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरा स्वभाव ढक गया है, और इसलिए मेरे लिए क्या धर्म का मार्ग है वो मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरे को मैं देख नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, करने योग्य है, श्री की ओर ले जाने का मार्ग है, वह मार्ग बता दो। जीवन में हर क्षण, हर क्षण, हर समय हमको श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग को चुनना होता है। बारिश आ रही, गीता स्वाध्याय में जाना है, श्रेय मार्ग है बारिश से लड़कर के पहुंचना, प्रिय मार्ग है बारिश से बच करके रहना। निर्णय करना है, हर बात में निर्णय करना है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए दीर्घकालीन श्रेय का ध्यान रखते हुए एक दिन नहीं जाने से चला है, लेकिन पैर फिसल गया तो 15 दिन पढ़ना पड़ेगा, ये भी श्रेय मार्ग के तरफ देखने का विचार है। इसलिए कोई भी सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सुबह उठना, रोज सुबह उठते समय श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग के बीच में लड़ाई होती है, रोज सुबह, रोज सुबह बिस्तर छोड़ते समय श्रेय और प्रिय की लड़ाई हमारे जीवन में होती है। नींद प्रिय होती है, सुबह जल्दी उठ करके सारे काम करना श्रेय होता है। श्रेय को चुनते हैं कि प्रिय को चुनते हैं? अर्जुन कह रहा है कृष्ण को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसलिए कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम, तुमको पूछ रहा हूं क्यों, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के प्रति सम्मोहित तो हो गई मेरी चेतना, ये बुद्धि अब धर्म को नहीं समझ पा रही, उस धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका भेद नहीं कर पा रही, इसलिए तुम बताओ। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन में, तय करके ब्रूहि बताओ, ब्रूहि यानी बताओ, मेरे को बताओ, ये अर्जुन ने कहा। और आगे के जो शब्द है उस शब्द के कारण गीता का संवाद उपनिषद का संवाद बन गया, जिसमें उसने शिष्यत्व ग्रहण किया अर्जुन का, अर्जुन ने कृष्ण का, और जो अपना सखा है, अपना मित्र है, छोड़ा नहीं मित्र मानना, सखा मानना छोड़ा नहीं। इसलिए विश्वरूप दर्शन के बाद में वो हाथ जोड़कर यही कहता है, अरे बाप रे, ये मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, अभी तक मैंने तुमको सखे थी, माधवे थी, तुमको सखा मान करके क्या 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 नहीं किया, क्या क्या बोलता था, तुम्हारे साथ खेलता था, तुम्हारे साथ सोता था, तुमको मारता था,
तुम तो इतने बड़े हो, मुझे पता ही नहीं था, इसलिए सखा मानना छोड़ा नहीं है। सखा होते हुए भी वह गुरु हो सकता है, मित्र होते हुए भी गुरु हो सकता है, संबंध नहीं बदलता गुरु मानने से। वो संबंध तो है लेकिन उस संबंध के साथ गुरुत्व है। कैसे गुरुत्व? उसने माना शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शादी माम मुझे बचा लो, मुझे इसमें से निकाल लो, मुझे इसमें से राह दिखा दो, मैं तुम्हें प्रपन्न हूँ, तुम्हारे सामने शरण आया हूँ, प्रपन्न तुम्हारे सामने साष्टांग प्रणिपात कर लिया, अब तुम्हारी शरण में हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग मुझे नहीं दिखता। सारी दुनिया का राज्य मुझे मिल जाए, सुरों का भी राज्य मिल जाए, तो भी ये मेरे इंद्रियों को सोखने वाला, शोषित करने वाला जो शोक है वो जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम मुझे बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, तय करके बता दो। इस सातवें श्लोक में गीता प्रारंभ होगी, उसके बाद कृष्ण का पूरा जो गुरुत्व है वो हमारे सामने आता है। और उन्होंने सांख्य योग का दर्शन शुरू किया, अशोचानंद व शोचस्तम प्रज्ञावादाश्यवास से। अरे मृत्यु का तुझे भय हो रहा है और मृत्यु का तेरे को शोक हो रहा है, लेकिन ये मृत्यु कोई चीज है ही नहीं, कोई मरता ही नहीं, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तू शोक कर रहा है, पंडितों की सी भाषा बोलता है और शोक ऐसा करता है। ऐसे करके फिर उन्होंने वो तर्क देने शुरू किए कि ये जो देही है, देह को धारण करने वाला जो नित्य है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, उसके लिए बड़े सुंदर उदाहरण दिए। कौमारम यौवनम जरा, सबसे सुंदर उदाहरण तो वो है, आपके शरीर के अंदर आप बच्चे थे, आप जवान हो गए, आप बूढ़े हो जाओगे, शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है, मन परिवर्तित हो रहा है, बुद्धि परिवर्तित हो रही, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इस सारे परिवर्तन को देखने वाला परिवर्तित नहीं हो रहा। इस परिवर्तन का साक्षी जो देही है वो अपरिवर्तनीय नित्य है। और जैसे इन परिवर्तनों के लिए तुम नहीं रोए, बच्चे से बड़े हो गए तो नहीं रोए, बच्चे से बड़े हो गए फिर प्रौढ़ हो गए तब नहीं रोए, इस कुमार यौवन और जरा के परिवर्तन पर जैसे तुम नहीं रहे, वैसे जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, जो इस सबसे परे देख सकता है, समय से परे जो देखता है वो धैर्यवान होता है, जो समय से परे देख सकता है ऐसा धीर, तथा देहांतर प्राप्ति, देह को बदलने से भी नहीं डरता, क्योंकि देह बदलना क्या, आगे जाकर के बताया, जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसे ही देही अपने शरीर बदलता है। इसलिए सारे शरीरों को धारण करने वाला एक देही, सारे शरीरों को धारण करने वाला एक देही, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। ये सारा सांख्य योग का बड़ा सुंदर दर्शन उन्होंने बताया, और उसके कारण उन्होंने तीन तर्क दिए। पढ़ लेगा कृष्ण रावण साहब, नहीं उठ ले, उठ। ऐसा जो नित्य है, अवध्य है, मारा नहीं जा सकता, इसलिए पहला तर्क दिया, जब वो मरता ही नहीं है, जब वो नित्य है, जब वो मारने योग्य ही नहीं है, तो जो दोनों बातें मानते हैं कि मर रहा है और मैं मार रहा हूं, उस मारने का दोषी मैं हूं, उभो तो न विजानी, तो दोनों मूर्ख। फिर उसके बाद में कहा कोई मरता ही नहीं है, तो तुम या तो ये मान लो कि या तो हमेशा नित्य जातम, हमेशा ही वो जीवित रहता है ऐसा मान लो, या ऐसा मान लो नित्यम मृतम, हमेशा मरा हुआ ऐसा मान लो। दोनों स्थितियों में तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। फिर बताया जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो पैदा हुआ वो मरेगा ही, जो मरा है वो फिर पैदा होगा, तस्माद अपरिहार्य थे, अपरिहार्य है, इसलिए उसको स्वीकार करो और उसके ऊपर शोक मत करो। इस प्रकार से पूरा सांख्य योग बताने के बाद फिर जो अभी हमारा चल रहा है कर्म योग के अंदर हुआ है, बीच में वो बदल करते समय उन्होंने स्वधर्म के ऊपर बड़ा सुंदर बताया कि केवल ये मरता नहीं है इसलिए तेरे को दोष नहीं लगेगा, नैवम पाप मवाप से सी, इस प्रकार से तू जान करके, इस ज्ञान को जान करके कि मैं जिसको मार रहा हूं वो तो मरने ही वाला है, शरीर है वो, तो शरीर के अंदर का जो शरीर ही है, जिसने शरीर सब शरीरों को धारण कर रखा है वो तो मरेगा ही नहीं, इसलिए ये जान करके जब तुम करोगे तब तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, यह बता दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा स्वधर्म देख करके भी तुमको इस युद्ध से नहीं प्रामुख होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध, धर्म्यम युद्धम धर्म्यम संग्रामम, धर्म की ओर ले जाने वाला, धर्म्यम यह जब लगता है तो की ओर ले जाने वाला, धर्म्यम संग्रामम नी नयति, उस धातु के अनुसार धर्म्यम धर्म की ओर ले जाने वाला, ऐसा वो जो संग्राम है वो तुमको दुख नहीं दे सकता, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग द्वार अपार, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला ऐसा अवसर है,
क्योंकि धर्मम क्यों है, हमने देखा था तीन बातों से वो धर्मम हो जाता है। पहले तो वो तुमने, तुम आक्रमण करता नहीं हो, तुम्हारे ऊपर थोपा गया है, किसी और ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया इसलिए तुम्हारे ऊपर थोपा गया, इसलिए तुम्हारे लिए उसका दोष नहीं लगेगा। जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो गया तो प्रतिकार करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए वो धर्मम है। फिर दूसरा धर्मम किस लिए है, वो तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हारा संकुचित स्वार्थ नहीं है, तुम किसी उदात्त ध्येय के लिए, लक्ष्य के लिए इस कर्म को कर रहे हो। क्योंकि यदि ये नहीं होता है तो अधर्म का राज रहेगा, और अधर्म के राज के कारण सारे समाज में से धर्म की हानि हो रही है, इसलिए इस अधर्म के राज को मिटाकर धर्म का राज आना जरूरी है, इसलिए उदात्त ध्येय। और तीसरा यह सर्वजन हिताय है, बहुजन हिताय भी नहीं, बुद्ध ने उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके बहुजन हिताय कह दिया। भारत में तो संकल्पना हिंदुओं की, तो सनातन धर्म की संकल्पना, हिंदुओं की संकल्पना तो सर्वे भवन्तु सुखिना की संकल्पना सब, इसलिए सर्वजन हिताय होने के कारण भी यह धर्मम युद्धम है, धर्मम संग्रामम है, इसलिए इसको तू ध्यान से कर इसके अंदर से। फिर बताया, अभी तक मैंने तेरे को संख्य योग बताया, ज्ञान योग बताया, ऐसा थे भीता संख्य, जहां से आज अपन ने पाठ शुरू किया 39वें श्लोक से, वहां से गियर बदला है भगवान श्री कृष्ण ने, ट्रैक बदला। उन्होंने कहा कि अभी तक सिद्धांत की बात हो गई, ये तेरे को समझ में नहीं आ रही, अब सीधे सीधे बात करता हूँ। तेरे हाथ में जो है, जो कर्म तू कर रहा है उसको देखते हुए बुद्धि योगे त्विमाम सुनो, किस बुद्धि से कर्म करना चाहिए उसको समझ ले, और उसके लिए उस बुद्धि की तीन विशेषताएं उन्होंने बताई। पहला बताया वह बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायात्मिका यानी क्या, व्यवसायात्मिका में दो बातें आ जाती है, एक में ही दो बातें, दोनों मिलकर के व्यवसायात्मिका बनती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि कौन सी है, लक्ष्य प्रेरित है और एकाग्र है, एक इस प्रकार की जो बुद्धि है, तो तुम्हारी बुद्धि लक्ष्य प्रेरित होनी चाहिए, जीवन लक्ष्य के अनुरूप बुद्धि होनी चाहिए। अलग अलग लक्ष्य नहीं होते, जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, और उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीवन के अंदर पड़ाव पार करने पड़ते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। अपने आप को समझने का वो जो लक्ष्य है, अपनी चिति को प्रकट करने का, अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के अंदर के विशिष्ट गुण को, आजकल की आधुनिक भाषा में उसको USP कहते हैं। तो हम में से प्रत्येक की अलग अलग USP है, अलग अलग चिति है, अलग अलग विशेषता है, उस विशेषता को अपने जीवन में प्रकट करना अपने जीवन का लक्ष्य है। ऐसी लक्ष्य केंद्रित तो बुद्धि जब एकाग्र होगी, बहुशाखा इधर उधर भटकती नहीं रहेगी, इधर उधर लोगों की बातें सुनकर के यामिमाम पुष्पिताम वाचम बड़े प्रेम से लोग समझाएंगे, आलंकारिक भाषा में समझाएंगे, खूब प्रलोभन आएंगे। वो एक गीत गाते हैं ना बड़ा सुंदर, हम दिव्य देह की ओर तपस्वी, उसमें आता है सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन। वैसा हमारा जीवन है, चारों तरफ से आकर्षण है जो लक्ष्य से दूर हटाने का काम करते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, उनसे बच करके जो अपने ध्येय पर अड़िग होकर के चलता है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि। इसलिए उस बुद्धि का पहला लक्षण बताया वो व्यवसायात्मिका का होनी चाहिए। दूसरा बताया सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जय जय, समत्व की बुद्धि होनी चाहिए। समत्वम योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में समत्व, ऐसी वो समत्व की बुद्धि होनी चाहिए। और तीसरा बताया वह निष्काम बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि लेकर के हम उसको कर्म करेंगे, उस भाव के साथ कर्म करेंगे तो वो कर्म भी योग हो जाएगा। फिर कर्म कैसा होना चाहिए उसके भी तीन लक्षण बताए कर्मयोग। कर्म कब कर्मयोग होगा, तो सबसे पहले बताया कि वह कर्म आपका जो है वह परफेक्ट होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए, उसमें कहीं न्यूनता नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी अच्छी तरह से करो। इसलिए कुशलम कर्म योगा कर्मसु, कर्म में युक्त होकर के जब करोगे तब वह कुशल कर्म होगा, इसलिए वह कुशलता से किया गया कर्म होना चाहिए। दूसरा बताया वह उत्पादक कर्म होना चाहिए, निरर्थक कर्म नहीं होना चाहिए, उत्पादक कर्म होना चाहिए। हमने देखा था उदाहरण, किताबें उठा करके टेबल पे से अलमारी में रखी, अलमारी से टेबल पे रखी, चार घंटे तक यही करते रहे, नहीं चलेगा, ये उत्पादक कर्म नहीं है। इसलिए वीडियो गेम्स उत्पादक कर्म नहीं है, एक ही एक्शन को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए वो नहीं चलेगा। जिसमें क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, कुछ निर्माण है, विधायी है, कुछ रचना करने वाला, रचनात्मक कार्य है, वही कार्य करना, तब कर्मयोग होगा। इसलिए उत्पादक कर्म होना चाहिए, परफेक्शन के साथ किया गया कर्म होना चाहिए। और तीसरी बात बताई उसके अंदर अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फल के अंदर कृपणा फल हेतवा,
फल के हेतु से नहीं करना चाहिए, सकाम भाव से नहीं करना चाहिए, कर्म के लिए कर्तव्य बुद्धि से उसको करना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे लिए करणीय है, इसलिए मैं करूंगा। मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला तो समझता ही नहीं है। कल हमारी एक बहना का फोन आया, उसका अपनी पति से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो वो मेरे को बता रही थी ऐसा ऐसा हुआ। जब भी ऐसा होता है तो वो मेरे को फोन करती है और उसको पता है कि मैं उसकी गलतियां बताऊंगा, अपनी गलतियां समझने के लिए फोन करती है, मैं उसको उसकी गलतियां बताऊं तो इसका मतलब क्या है, मैं ही गलत हूँ, वो गलत नहीं। मैंने कहा वो पूछेगा तो उसको उसकी गलतियां बता दूंगा, तू पूछ रही है तो तेरी गलतियां बताऊंगा, उसकी गलतियां तेरे को बता के क्या फायदा, उसकी गलतियां तो तू ठीक नहीं कर सकती, तेरी गलतियां तू ठीक कर सकती है। तो मैं ऐसा व्यवहार बदल दूंगी तो उसका उसके ऊपर कोई परिणाम होने ही नहीं वाला। मैंने कब कहा कि उसके ऊपर परिणाम होगा, मैंने कब कहा कि वो बदल जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा तुम करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा इसलिए मत करो कि ऐसा करने से वो ठीक व्यवहार करने लगेगा, ये उद्देश्य ही नहीं है उसका, व्यवहार ठीक करना ये उद्देश्य नहीं, यही तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए यही तुमको करना है। दूसरा कुछ भी करोगी तो तुम गलतियों पर गलतियां करती जाओगी, इसलिए पहले तुम अपनी गलतियां ठीक कर लो, उसकी हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों स्थितियों में तुम यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो उससे वो सुधर गया तो अच्छी बात है, नहीं भी सुधरा तो भी तुमको तो संतोष रहेगा कि तुम अपने कर्तव्य बोध से काम कर रही हो। इसलिए कर्मयोग में बुद्धि व्यवस्थित करना और उसके बाद इन तीन बातों को, बुद्धि में तीन बातें, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, समत्व बुद्धि होनी चाहिए, निष्काम बोध की बुद्धि होनी चाहिए, फल बुद्धि नहीं होनी चाहिए, निष्काम बोध की बुद्धि होनी चाहिए। कर्म में तीन बातें, उत्पादक कर्म होना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट से उसको करने के लिए उसकी प्रक्रिया पर ध्यान एकाग्र करके उसको सर्वोत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए, और कर्तव्य बोध से उसको करना चाहिए, कर्तव्य बोध से उस कर्म को करना चाहिए। ये सब होने से हमारा जीवन ही कर्मयोग हो जाएगा, और उस कर्मयोग के द्वारा तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम इस सारे भ्रम से, सुनी सुनाई बातों से जो भ्रम तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है श्रुति विप्रतिपन्नाते, उसमें से निकल करके तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन निश्चल हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा कर्म जो है वो कर्तव्य कर्म हो जाएगा, और तब तुम योग को प्राप्त करोगे। ये बताने के बाद अर्जुन ने बताया, ऐसा जिसने योग प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या परिभाषा है, लोग उसको किस तरह से जानते हैं, वो किस प्रकार से बोलता है, वो किस प्रकार से बैठता है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, व्रजेत किम आसीत किम, बैठता कैसे, व्यवहार कैसे करता है, बोलता कैसे, किम प्रभाषते, बोलता कैसे, ये बताओ, और उसको लोग कैसे देखते हैं। और उसको अपन कल से देख रहे थे कि किस प्रकार से, किसको कहा जाता है कि किसके अंदर प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा कि मन से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई है, सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जिसकी सारी वो खत्म हो गई और जिसके कारण से वो बाहर सुख को ढूंढता ही नहीं है, अपने अंदर ही आत्मैव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर ही जो संतुष्ट हो जाता है, अपने आप में ही जो मस्त रहता है, वह उसको लोग स्थित प्रज्ञ कहते, उच्चते लोग कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। ये पहला बताया, और दूसरा बताया कि वो दुख से डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता, अनुद्विग्न मना, उसका मन अनुद्विग्न रहता है, विचलित नहीं होता, कहीं भी किसी भी स्थिति में उसको वो कष्ट नहीं होता, नींद खराब नहीं होती उसकी, मस्ती से सोता है, और सुखेषु विगत स्पृहा, दो शब्द आते हैं भोगों को लेकर के या विषय वासना को लेकर के, दो विषयों के तरफ अपना जो अपने मन में जो भाव उठते हैं उसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है तृष्णा और दूसरा आता है स्पृहा। भोगों से पहले विषयों के प्रति जो भाव होता है उसको कहते हैं तृष्णा, तलब, ये मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार का जो भाव होता है, जो प्यास लगती है, जो पाने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, वो है तृष्णा। तृष्णा को भोग के द्वारा तृप्त किया जा सकता है, पानी की प्यास लगी, पानी पी लूंगा, प्यास चली जाएगी, लेकिन विषयों का ऐसा नहीं होता, ऐसा कहते हैं ये तो आग में घी डालने के समान है, जितना भोगोगे उतनी ही प्यास बढ़ेगी, ये जो नेक्स्ट प्रक्रिया है उसको कहते हैं स्पृहा। स्पृहा ये है, भोग के कारण उसके साथ जो चिपटना हो जाता है और ये जो इच्छा होती है, यह इच्छा को कहते हैं स्पृहा। तो विगत स्पृहा मतलब
वो ऐसा तृप्त हो जाता है कि उसको और पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए सुख की आकांक्षा जड़ से समाप्त हो जाती है। वैराग्य में दो प्रकार की बातें कही जाती है, एक वैराग्य होता है वितृष्णा का वैराग्य, जिसको वितृष्णा आ जाती है, यह भी एक तरीका है, और दूसरा है विगत स्पृहा का, जो स्थित प्रज्ञा है उसकी विगत स्पृहा वाली है। वितृष्णा वाली में अभी बाकी है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग था वो वितृष्णा का मार्ग था, बड़े बड़े सन्यासियों ने इसको अपनाया। वितृष्णा हम सामान्य रूप से जिसको कहते हैं कि किसी चीज के बारे में बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती मेरे को अब तो उसको करने की, जिसको क्या कहते हैं नौशिया, अंग्रेजी में कहते हैं नौशिया आ गया, इतना कर लिया कि अभी उसके बारे में तृष्णा ही नहीं रही, वितृष्णा हो गई, उसके बारे में चीड़ आती है उसको देख करके भी। ये भी एक तरीका है, ये भी अपनाते। समर्थ रामदास की कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार जब भिक्षा में खीर मिली तो समर्थ रामदास को बड़ा अच्छा लगा कि खीर पी करके बड़ा आनंद आया, और दो तीन बार उन्होंने कहा आज तो खीर बहुत बढ़िया रही, और फिर उन्होंने कहा कि अरे वाह वाह मनीराम जी, तुम तो बड़े गड़बड़ बड़े संतुष्ट हो गए, अपने मन को अपने मन से बातें करते थे ना, हे मन तू तो बड़ा संतुष्ट हो गया इस खीर में। तो फिर उन्होंने क्या किया, शिष्यों को कहा कि सारा ले आओ, दूध ले आओ, चावल ले आओ, चीनी ले आओ, सब इतनी सारी खीर बनाई, और खुद ने ही वो सारी की सारी खीर खाई, 5-10 किलो, इतनी खीर खाई, इतनी खीर खाई, जब तक खाते गए जब तक उल्टी ना हो गई, और इतनी खीर खा करके जब वमन हो गया, जब उल्टी हो गई, तब उलटने के बाद जो बाहर निकली बोले ये भी तो खीर है, उसको भी खा गए। उसके बाद में जिंदगी में कभी खीर खाने की इच्छा नहीं होगी। ये वितृष्णा का रास्ता, विगत स्पृहा का रास्ता ये नहीं है, ये वितृष्णा का रास्ता है। विगत स्पृहा का रास्ता तृप्ति का रास्ता है, वो प्रत्याहार से होता है, उसका मार्ग आगे बताया जो अगला श्लोक जो आज अपना वैसे होना था, लेकिन अपन ने अच्छा है एक बार पूरी रिवीजन हो जाना भी अच्छा है, अपन ने पहले अध्याय से अभी तक की सारी रिवीजन कर ली, उसमें वो जो कुर्मोंगा नीव सर्वश है वो प्रत्याहार की परिभाषा है, कैसे प्रत्याहार किया जाता है, वो विगत स्पृहा होने का तरीका है। वितृष्णा का तरीका ये है, धाप जाओ, भोग करते करते इतना भोग कर लो कि बाप अब संभव नहीं, वो वितृष्णा का तरीका है, वो बड़ा कठिन है, हठयोगी का तरीका है। विगत स्पृहा ये हमारे लिए संभव है क्योंकि वो हमारे इसके अंदर है। ऐसा जो है जिसने राग भय क्रोध को समाप्त कर लिया, वीत उसका बीत चुका है, सब वीत राग क्रोध भय क्रोध, राग भय और क्रोध जीवन को प्रेरित करने वाले तीनों तत्व है। आदमी जीवन में कर्म करता है इन तीनों से प्रेरित होकर के, ये बहुत बड़े उत्प्रेरक है, लेकिन ये बहुत बड़े उत्प्रेरक होते हुए भी, कर्म के उत्प्रेरक होते हुए भी अक्सर अधर्म की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि ये फल की आकांक्षा से कर्म करवाते हैं, इसलिए इनको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। तो राग को समाप्त करना, उसके लिए कल अपन ने देखा था सकारात्मकता का, क्रोध को समाप्त करने के लिए मन को शांत करना, राग को समाप्त करने के लिए किसी भी वस्तु के प्रति राग ना हो, इसके लिए हमको अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि यदि रखने लगेंगे तो जीवन में से ये मुझे अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, पसंद नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक, राग और द्वेष, ये जीवन में से समाप्त हो जाएंगे। उसके लिए कल हमने महात्मा गांधी की, रानडे साहब की ऐसे उदाहरण देखे थे, अपने जीवन में ये आने लगता है ना तब बड़ा मजा आता है, तब जो आनंद जो तृप्ति आती है, कई लोगों ने उसके लिए कई मार्ग चुने, अपन जब कल प्रत्याहार पर देखेंगे तो प्रत्याहार के मार्गों में उसको देखेंगे, बड़े सरल से सिंपल से सॉल्यूशन से जिसको जीवन में उतार लेने से ये इससे राग से ऊपर उठा जा सकता है। भय को दूर करने के लिए अज्ञान के कारण भय होता है, ज्ञान ही उसको दूर कर सकता है, इसलिए ज्ञान के द्वारा भय को दूर किया जा सकता है। इसलिए जिन फालतू की चीज़ों का हमको भय लगता है उसको करके देख लो, ज्ञान हो जाएगा और तब पता चलेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं, तो अपने आप भय दूर हो जाएगा। क्रोध को दूर करने के लिए कहा गति को गति विच्छेद, मन की गति को कम करने से क्रोध समाप्त हो जाता है, मन की गति को कम करने से क्रोध समाप्त हो जाता है, और फिर प्रभावी कर्म कर सकते हैं, फिर प्रतिक्रिया नहीं होती। जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो प्रतिक्रिया नहीं होती, क्रोध में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए वीत राग भय क्रोध वह मुनि कहा जाता है, उसके अंदर मौन करने की क्षमता पात्रता, अपने अभिव्यक्ति की मजबूरी समाप्त हो जाती है, वह अपने आप में मस्त रह सकता है। इसलिए और कल का जो आखिरी श्लोक देखा था, सभी के प्रति सर्वत्रान अनभिस्नेह, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है, इसलिए जो भी जीवन में है, देह से लेकर देह मन बुद्धि से लेकर जीवन में अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी है, उस सब के साथ में उसका जो जुड़ाव है लगाव है उसको वो खत्म कर देता है, इसलिए उसको अभिस्नेहन की जरूरत नहीं पड़ती।
उसके अंदर का वो फ्रिक्शन ही खत्म हो जाता है, वो इतना सहजता से सबके साथ घुल मिल सकता है कि उसके अंदर घर्षण ही नहीं है। घर्षण नहीं है तो स्नेहन की जरूरत नहीं होती, स्नेहन तो जबरदस्ती देना पड़ेगा तब घर्षण को दूर करने के लिए, लेकिन उसके सहज संबंध हो जाते हैं और उसके कारण उस संबंध से वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ और स्वयं के साथ, तीन स्तरों पर हम संबंध जोड़ते हैं। वस्तुओं के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, ये मेरी किताब है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी धोती है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरी घड़ी है, मेरा मम। वस्तुओं के साथ स्नेह, इसलिए फ्रिक्शन होता है, इसलिए फिर स्नेह रखना पड़ता है, स्नेह नहीं रखोगे तो घर्षण होगा, इसलिए स्नेह रखना पड़ता है। व्यक्तियों के साथ होता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध हम जोड़ते हैं, बिना संबंध के हम किसी के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकते, ये सत्य है। हमको किसी ना किसी संबंध के साचे में उसको डालना पड़ता है, इसलिए हम साचे बना लेते हैं। वास्तविकता में संबंध बड़े अलग अलग होते हैं, मतलब हम जिनको मित्र कहते हैं वो मित्र भी अलग अलग होते हैं, शत्रु भी अलग अलग होते हैं, संबंध भी एकदम, प्रत्येक संबंध अपने आप में विशिष्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, इसलिए संबंध भी अपने आप में विशिष्ट होता है। लेकिन ये संबंध हमको एकात्मता का, अपने जैसा दूसरे को देखने का बोध कराते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति संबंधों की संस्कृति है। यहाँ पर किसी को आवाज देते तो संबंध, आज अजनबी को आवाज देते तो संबंध, भाई साहब कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, बहन जी कहते हैं, मौसी कहते हैं, दादी माँ कहते, कोई नहीं जानता, बस के अंदर अजनबी है, कोई नहीं पता उसको कौन है, लेकिन उसको किसी संबंध से पुकारेंगे। ये भारत है, सबके साथ संबंध जोड़ता है, गंगा को मैया बना देता है, गो को मैया बनता है, चंदा को मामा बना देता है। संबंधों की संस्कृति भारतीय संस्कृति है, क्योंकि संबंध मय का विस्तार करते हैं, इसलिए सहज संबंध जिसके होने हो लगते क्यों होते, ना अभिनंदती ना द्वेष्टी, वो किसी को बहुत ज्यादा, किसी के तारीफ भी नहीं करता बहुत ज्यादा, किसी से द्वेष भी नहीं करता बहुत ज्यादा, किसी से लगाव भी नहीं रहता, समत्व में रहता है, इसलिए उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित तो होती है। ये सब कैसे किया जाए, उसका मार्ग आगे आने वाले 5-6 श्लोकों में उसको जीवन में उतारने का तरीका बताया, कि मां सीत किम व्रजेत का उत्तर अब दे रहे, क्या परिभाषा है इसका बता दिया, अब कैसे उसका व्यवहार होता है उसके बारे में बताने जाएंगे, उसको अपन कल देखेंगे। कुछ अभी तक का जो सारा हुआ उसमें किसी को कुछ शंका हो, कुछ लोग जो पहले से नहीं आ रहे थे उनका भी एक बार अच्छा रिवीजन हो गया, मेरा खुद का रिवीजन हो गया, बाकी किसी का हो ना हो, एक साथ में अभी तक का जो स्वाध्याय हुआ है 15 दिन का, उस स्वाध्याय को अपन देखा है। आवश्यकता नहीं उसकी, स्नेह यानी लुब्रिकेशन, घर्षण होगा तो लुब्रिकेशन लगेगा, जब संबंध सहज हो जाएंगे जब स्नेह की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्नेह कृत्रिम करना पड़ता है, ऐसा प्रश्न है कि आदेह ही शरीर ही जाला पर बनतो तो नित्य अविनाशी स्वयं प्रकाशित स्वयं अमवेद्य है, तो त्याला प्रकट होने का माध्यम जी गरज है, नहीं नहीं गरज, उसके उसकी गरज के लिए प्रकट, वो अपने को प्रकट नहीं कर रहा है, उसका जो विकृत रूप कही है, उसके जो नीचे की स्टेप है जिसको महत्त्व का, उसको प्रकट होने के लिए लगता है, इसलिए उसने ये देह धारण की, वो उसको तो जरूरत ही नहीं है, अहंकार के कारण देह बोध है। वो गंगा जी में अंजुली पकड़ी हुई है तो गंगा जी को तो बहने के लिए मेरी अंजुली की जरूरत नहीं, अंजुली के अंदर के पानी को कहता है ये मैंने ले लिया, ये मेरा गंगा जल है, ये मेरे गंगा जल से जो भेद उत्पन्न होता है उस भेद के कारण फिर उसके लिए अंजुली चाहिए, अंजुली छोड़ दूंगा तो वो गंगा जी आई, ये अंजुली पकड़ के रखते हैं, वो प्रागट्य, वो हमारे प्रागट्य इस अर्थ में कि हमारे लिए इंद्रिय गम्य होगा, जब अंतर चक्षु खुल जाएंगे तो प्रगट तो स्वयं प्रकाशित तो वही है, वास्तविक प्रकाश का प्रकाश तो वही है। आपका संबंधित घेऊ आजच घ्यायचं असं येणार आहे फल का चिंतन जिसमें नहीं, और बहुत बहुत उसको सहजता से समझना है तो संकुचित जिसमें स्वार्थ नहीं, बहुत सरलता से, मतलब जब फल की भी अपन आकांक्षा कर रहे हैं लेकिन केवल अपने लिए नहीं कर रहे, किसी बड़ी बड़ी इकाई के लिए कर रहे, किसी बड़ी परिधि के लिए कर रहे तो वो निष्काम,
बहुत सरल सी बात है। स्वामी विवेकानंद जी उसके लिए उस शब्द प्रयोग करते हैं एनलाइटन सेल्फिशनेस, वो कहते हैं देर कैन नॉट बी एनीथिंग बट सेल्फिश। वो कहते हैं कि आपको जो दूसरे की सेवा करने की इच्छा होती है वो भी तो सेल्फिशनेस है, वो भी तो अपने आप में स्वार्थी तो है, तुम उसका थोड़ी भला कर रहे हो, तुम्हारा भला हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने सेवा की परिभाषा ही बदल दी। वो कहता है सेवा पाने वाला धन्य नहीं है, सेवा करने वाला धन्य है, इसलिए धन्यवाद उसका दो जिसने सेवा करने का अवसर दिया कि उसने मुझे सेवा, वो ईश्वर है और तुम पूजा करने वाले हो, इस भाव से सेवा करो क्योंकि सेवा करना तुम्हारा स्वार्थ है, उसके बिना तुम रह नहीं सकते इसलिए कर रहे हो, इसलिए वो उदात्त स्वार्थ, संकुचित स्वार्थ नहीं होकर के उदात्त स्वार्थ है। तो निष्काम और सकाम में केवल इतना ही फर्क है, सकाम यानी शूद्र स्वार्थ है, निष्काम यानी विस्तारित विस्तृत उदात्त स्वार्थ। ये बहुत सहज व्यावहारिक डेफिनेशन है निष्काम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः।